आज हम लोग बाकी के जो इंटीग्रल्स हैं सेशन 3 के उनको डिराइव करेंगे। कल हमने ये डिराइव किया था, इसके पिछले लेक्चर में ये डिराइव किया था कि 1/x² + a² का इंटीग्रल, 1/x² - a² का इंटीग्रल एंड 1/a² - x² का इंटीग्रल, ये हमने डिराइव किया। अब हमको डिराइव करना है 1/√x² + a² √x² - a² एंड √a² - x². तो अगेन डिराइव करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक्स को सब्सटीट्यूट करेंगे इसमें, एक्स इज इक्वल टू टैन थीटा, ए टैन थीटा, तो डी एक्स होगा ए सी स्क्वेयर थीटा डी थीटा, दिस इंटीग्रल बिकम्स ए सी स्क्वेयर थीटा डी थीटा बाय अंडर रूट ए स्क्वेयर टैन स्क्वेयर थीटा प्लस ए स्क्वेयर विच इज़ इक्वल टू इंटीग्रल। अब नीचे ए स्क्वेयर कॉमन निकलेगा, ऊपर के ए के साथ कैंसिल आउट होगा एंड यू गेट सी स्क्वेयर थीटा डी थीटा बाय रूट ऑफ टैन स्क्वेयर थीटा प्लस 1 विच इज सी स्क्वेयर थीटा। सो द इंटीग्रल इज, बाहर एक सीक आ जाएगा, सीक सीक कैंसिल आउट होगा, यू गेट सीक थीटा डी थीटा विच इज लॉग ऑफ सीक थीटा प्लस टैन थीटा। तो ये इंटीग्रल आ गया, बट हमको आंसर एक्स के टर्म्स में चाहिए, तो हमने जो सब्सटीट्यूट किया है वहाँ पे आएंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, इसको थीटा लेंगे, सो टैन थीटा इज एक्स अपॉन ए, सो हाइपोटेनस होगा रूट ऑफ x² + a²। सो अब इस ट्रायंगल से हम लोग सीक थीटा निकालेंगे और यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे, सो विल हैव लॉग ऑफ, नाउ इस ट्रायंगल से सीक थीटा होगा हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट, सो दैट इज रूट ऑफ x² + a² बाय ए प्लस टैन थीटा, टैन थीटा इज एक्स अपॉन ए, सो दिस इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी भी आएगा, तो दिस इज लॉग ऑफ x² √x² + a² माइनस ए डिनोमिनेटर में है लॉग ऑफ ए अपॉन बी, दैट इज लॉग ए माइनस लॉग बी प्लस सी। अब ये भी एक कांस्टेंट है, ये भी एक कांस्टेंट है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, इसको एक कांस्टेंट बना के रख देंगे, दैट इज प्लस के। सो याद क्या रखना है, इंटीग्रेशन 1/√x² + a² dx इज लॉग ऑफ x² √x² + a² नेक्स्ट इंटीग्रल डिराइव करते हैं, दैट इज इंटीग्रेशन 1/√x² - a² dx। अच्छा सब्सटीट्यूशन करेंगे, सब्सटीट्यूशन का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि स्क्वायर रूट सिंप्लीफाई हो जाए, तो सीक थीटा वो आइडेंटिटी है जिसे ये सिंप्लीफाई होगा, सो एक्स इज इक्वल टू ए सीक थीटा ये पुट करते हैं, तो डी एक्स होगा ए सीक थीटा टैन थीटा डी थीटा विच इज इक्वल टू इंटीग्रल ए सीक थीटा टैन थीटा डी थीटा बाय अंडर रूट x², तो यहाँ पे आएगा a² sec² θ - a² ऊपर और नीचे a कैंसिल आउट होगा एंड गेट सीक थीटा टैन थीटा डी थीटा बाय रूट ऑफ sec² θ - 1 दैट इज टैन स्क्वायर थीटा, ऊपर और नीचे ये टैन का टर्म कैंसिल आउट होगा, अगेन गेट सीक थीटा डी थीटा एंड इसका इंटीग्रल है लॉग ऑफ सीक थीटा प्लस टैन थीटा प्लस सी। फिर से हम लोग इस आइडेंटिटी पे आएंगे, एक ट्राइंगल बना देंगे, लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, सीक थीटा इज एक्स अपॉन ए, तो ये बनेगा x² - a², सो दिस इज इक्वल टू लॉग सीक थीटा, इस ट्राइंगल से सीक थीटा है हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट प्लस टैन थीटा, टैन थीटा इज रूट ऑफ x² - a² बाय a प्लस सी, सो दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ x² √x² - a² - log a + c, दिस इज इक्वल टू के, तो द आंसर इज लॉग x² √x² - a² + k। अब जो थर्ड इंटीग्रल है वो हमको डिराइव करना है, इट इज इंटीग्रेशन 1/√
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो अगेन यहाँ पे जो प्रॉपर ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन है वो है ए साइन थीटा, ये पुट करेंगे तो डी एक्स बनेगा ए कॉस थीटा डी थीटा। दिस इज इंटीग्रल ए कॉस थीटा डी थीटा बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ऊपर और नीचे ए कैंसिल आउट होगा, विल गेट कॉस थीटा डी थीटा बाय अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर, ऊपर और नीचे कॉस कैंसिल आउट होगा, विल गेट इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा विच इज थीटा। अब यहाँ से आप थीटा निकालने की कोशिश करो, देखो साइन थीटा क्या है, एक्स अपॉन ए, सो थीटा क्या है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, सो दिस थीटा इज साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। दिस इज इंटीग्रल 1 बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। फाइनली देयर आर 3 मोर इंटीग्रल्स, इंटीग्रेशन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इंटीग्रेशन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इंटीग्रेशन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। सेम वही चीज़ इसमें सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, ए टैन थीटा, इसमें करना पड़ेगा एक्स इज इक्वल टू ए सीक थीटा एंड इसमें ए साइन थीटा। तो अगर हम लोग तीनों में सब्स्टिट्यूशन एक साथ लगा दें और डी एक्स का वैल्यू भी लिखें तो और पुट करके इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे आएगा ए सीक थीटा एंड डी एक्स का वैल्यू आएगा, ये स्क्वायर रूट का सिंप्लीफिकेशन ये आएगा अपॉन दिस सब्स्टिट्यूशन, एंड डी एक्स विल बी ए सीक थीटा टैन थीटा डी थीटा। इसको देखते हैं, अगर आप ये सब्स्टिट्यूशन करते हो तो यहाँ पे आएगा ए टैन थीटा एंड डी एक्स आएगा ए सीक थीटा, यहाँ पे सीक थीटा टैन थीटा डी थीटा। अच्छा यहाँ पे डी एक्स का वैल्यू ए टैन का डेरिवेटिव सीक स्क्वायर थीटा, तो ये सब्स्टिट्यूशन करने पे स्क्वायर रूट का सिंप्लीफिकेशन ये टर्म और डी एक्स का वैल्यू ये टर्म। सेम चीज़ यहाँ पे स्क्वायर रूट का सिंप्लीफिकेशन ये टर्म आएगा अपॉन दिस सब्स्टिट्यूशन एंड डी एक्स का वैल्यू आएगा ये टर्म। सिमिलरली यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर का सिंप्लीफिकेशन आएगा ए कॉस थीटा एंड डी एक्स का वैल्यू आएगा ए कॉस थीटा डी थीटा। अब तीनों को हम लोग साथ में इवेल्यूएट करते हैं यहाँ पे, सो दिस विल बी ए स्क्वायर सीक क्यूब थीटा डी थीटा, यहाँ पे ये आएगा ए स्क्वायर सीक थीटा टैन स्क्वायर थीटा डी थीटा एंड ये आएगा ए स्क्वायर इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये इंटीग्रल कैलकुलेट करना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो ये इंटीग्रल का जो आंसर है वो मैं डायरेक्टली आपको बता दूंगा, क्योंकि आगे चल के हमको एक कंसेप्ट देखना है, दैट इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। वहाँ से बहुत इजीली निकल के आता है, बट अभी हम लोग इसको परफॉर्म नहीं कर सकते, तो सिर्फ इन दोनों को सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर इंटीग्रल, अगेन दिस विल बिकम अ डिफिकल्ट इंटीग्रल, देखो ये इसी के जैसा है, तो सीक थीटा वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ही आएगा। नाउ सीक थीटा टैन स्क्वायर को लिखेंगे सीक स्क्वायर थीटा माइनस वन डी थीटा, तो दिस इज ए स्क्वायर इंटीग्रल सीक क्यूब थीटा माइनस इंटीग्रल सीक थीटा, फिर से देखो वही इंटीग्रल आ गया सीक क्यूब। तो ये दोनों हम लोग फिलहाल इवेल्युएट नहीं कर सकते, इसको कर सकते हैं, दिस इज ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2 डी थीटा, सो दिस इज ए स्क्वायर बाय 2 थीटा प्लस कॉस का इंटीग्रल साइन 2 थीटा बाय 2, ये टर्म्स आ रहे हैं, सो दिस इज ए स्क्वायर बाय 2 ना थीटा। हमने एक्स को ए साइन थीटा पुट किया है, सो थीटा क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाय 2, तो यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x/a प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, सो दिस इज ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x/a प्लस नाउ साइन थीटा।
अगेन साइन थीटा है एक्स अपॉन ए, तो यहाँ पे आएगा एक्स अपॉन ए, कॉस थीटा इज रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सो दिस इज ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस एक्स अपॉन ए रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए। इसको हमने सिंप्लीफाई किया, ए स्क्वायर को अंदर शिफ्ट कर दो, सो विल गेट ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस एक्स बाय 2। अभी ए स्क्वायर और यहाँ पे ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स बाय 2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो ये इंटीग्रल है इसका, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स बाय 2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 इन टू साइन इनवर्स एक्स बाय ए। तो ये आपको याद रखना है, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में ये टर्म आएगा ही आएगा, एक्स अपॉन 2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली हम लोग एक बार वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स सीख लेंगे तो ये दोनों डिराइव हो जाएंगे आराम से, तब जाके आप देखोगे कि इंटीग्रेशन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स ये आता है अगेन एक्स बाय 2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सी ऐसे टाइप के इंटीग्रल्स में ये पहला टर्म का जो स्ट्रक्चर है वो सेम है, पहला टर्म यही आता है इनमें, और फिर अगला टर्म आता है प्लस ए स्क्वायर बाय 2 लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एंड फिर इंटीग्रेशन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रल है अगेन एक्स बाय 2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस, यहाँ पे माइनस है ना तो यहाँ पे बस याद रखना है आपको माइनस ए स्क्वायर बाय 2 आएगा लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो ये तीन इंटीग्रल्स हमने देखे हैं, ये हमको अप्लाई करना है। तो एक बार मैं सारे इंटीग्रल समराइज कर देता हूँ। सबसे पहले हमने देखा 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 बाय ए टैन इनवर्स एक्स अपॉन ए, फिर इंटीग्रल 1 बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एंड देन इंटीग्रल रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इट इज एक्स बाय 2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये तीन इंटीग्रल्स है, ठीक है, तीनों में वेरिएशन क्या है, पहले डिनोमिनेटर में ये टर्म है, फिर ये टर्म आप ऊपर शिफ्ट, अच्छा उसमें फिर स्क्वायर रूट लगता है, और फिर ये टर्म जब ऊपर हो स्क्वायर रूट के अंदर तो इसका इंटीग्रल। ऐसे ही तीन और इंटीग्रल्स हमने डिराइव किए, 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इट इज 1 अपॉन 2 ए लॉग ऑफ एक्स माइनस ए बाय एक्स प्लस ए, इंटीग्रेशन 1 बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और फिर हमने ये डिराइव किया रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू, ये एक्चुअली इंटीग्रेशन बाय पार्ट से निकलेगा, तो इसका इंटीग्रल आया एक्स बाय 2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2 लॉग ऑफ एक्स, देखो यही सेम टर्म यहाँ पे आता है एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फिर तीन और इंटीग्रल्स हमने स्टडी किए, इंटीग्रेशन 1 बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स विच इज 1 बाय 2 ए लॉग ऑफ ए प्लस एक्स बाय ए माइनस एक्स, इंटीग्रेशन 1 बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाय ए। ये याद रखो यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए आता है और यहाँ पे 1 बाय ए टैन इनवर्स एक्स बाय ए आता है, कई बार स्टूडेंट्स यहाँ पे भी 1 बाय ए लिख देते हैं जो कि गलत है। एंड थर्ड इज रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स विच इज एक्स बाय 2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2, ऑल्दो यहाँ पे माइनस है बट यहाँ पे प्लस आता है, माइनस सिर्फ इसमें आता है, यहाँ पे आएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। सो ये टोटल 9 इंटीग्रल्स के ऊपर बेस्ड है सेशन एक्सरसाइज 3।
ठीक है। अब ये वाले जो नौ इंटीग्रल्स हैं वो कैसे टाइप के सम्स को कैटर करते हैं, वन बाय अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, इंटीग्रल वन बाय रूट के अंदर अगर एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो, या तो इंटीग्रल ऊपर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो, ऐसे तीन टाइप के सम्स सॉल्व किए जा सकते हैं। फिर ऐसे टाइप के सम्स भी इसमें सॉल्व होते हैं, ऊपर लीनियर पॉलिनोमियल हो डिवाइडेड बाय क्वाड्रेटिक, ऊपर लीनियर पॉलिनोमियल हो नीचे रूट के अंदर क्वाड्रेटिक, ऊपर लीनियर पॉलिनोमियल हो और रूट के अंदर क्वाड्रेटिक मल्टीप्लाइड हो, तब भी ये सॉल्व किया जाता है, मतलब वो नौ इंटीग्रल्स लगेंगे। एंड थर्ड, ऊपर एक अलग क्वाड्रेटिक नीचे एक अलग क्वाड्रेटिक, या तो ऊपर एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नीचे रूट के अंदर एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, एंड यहाँ पे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मल्टीप्लाइड बाय रूट के अंदर एक अलग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। सो ऐसे टाइप के जो सम्स है वो ये जो नौ इंटीग्रल्स हैं उनको लगा के सॉल्व किए जाते हैं। इनफैक्ट वो नौ जो इंटीग्रल्स हमने अभी देखे वो इसके लिए भी काम आते हैं, नीचे वन बाय ए कॉस स्क्वेयर एक्स प्लस बी साइंस स्क्वेयर एक्स, ये इंटीग्रल, फिर वन बाय ए प्लस बी साइंस स्क्वेयर एक्स, वन बाय ए प्लस बी कॉस स्क्वेयर एक्स, फिर इंटीग्रल वन अपॉन ए प्लस बी साइंस स्क्वेयर एक्स प्लस बी कॉस सी कॉस स्क्वेयर एक्स, वन बाय ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स द होल स्क्वायर। ये ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशंस भी वो नौ फॉर्मूले से निकलते हैं, कुछ मैनिपुलेशंस करने पड़ते हैं हमको यहाँ पे। एंड और इसमें वैरायटी है, ए साइन एक्स, अभी यहाँ पे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर था ना, अभी सिंपल ए साइन एक्स बी कॉस एक्स, फिर इंटीग्रल वन बाय ए प्लस बी साइन एक्स, इंटीग्रेशन वन बाय ए प्लस बी कॉस एक्स, एंड इंटीग्रेशन वन बाय ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी। तो टोटल इतने सारे इंटीग्रल्स हैं, ठीक है, जो इस फॉर्मूले के थ्रू निकलते हैं। ये वेरिएशन यहाँ पे ही ख़त्म नहीं होती, ऊपर ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी, नीचे पी साइन एक्स प्लस क्यू कॉस एक्स प्लस डी, ये भी टाइप के जो इंटीग्रल्स है उसमें ये नौ फॉर्मूले लगते हैं। मतलब इसमें हम लोग इन सब इंटीग्रल्स में क्या करना होता है, एक सिंप्लीफिकेशन का तरीका होता है, वो लगाते जाओ और फिर एंड में जाके वो नौ फॉर्मूले के फॉर्म में इंटीग्रल बैठ जाता है और फिर आप फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है। तो एक एक करके हमको इन टाइप्स को देखना है, पहले हम लोग इन तीन टाइप्स को देखेंगे, फिर इनको देखेंगे, फिर इनको। तो मे बी हर एक टाइप का जो है दो दो एग्जांपल्स मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा, सो दैट आपको क्लियर होगा कि करना कैसे है। तो पहला हम लोग देखने वाले हैं, मान लो ऐसा आ गया वन बाय क्वाड्रेटिक, तो वन बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन डी एक्स, विच इज़ इंटीग्रेशन, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन बाय फोर, वन माइनस वन बाय फोर डी एक्स, विच इज़ वन बाय एक्स माइनस हाफ द होल स्क्वायर, यहाँ पे आएगा प्लस थ्री बाय फोर, उसको लिखेंगे रूट थ्री बाय टू द होल स्क्वायर डी एक्स। तो ये कौन से फॉर्म का इंटीग्रल बन गया, इंटीग्रेशन वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, इसका देखो उसी फॉर्म में है, तो इसका इंटीग्रल है वन बाय ए टैन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो ये अगर आप यहाँ पे अप्लाई कर दो, सो वन बाय ए टैन इनवर्स एक्स अपॉन ए हो गया। दिस वाज विच टाइप, वन अपॉन क्वाड्रेटिक, वन अपॉन क्वाड्रेटिक हुआ तो परफेक्ट स्क्वायर बना के वो नौ फॉर्म में से एक फॉर्म आपको मिल जाएगा। अब सेकेंड इस पे जाते हैं, इंटीग्रेशन मान लो ऐसा निकालना है, वन बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री डी एक्स, तो इसको आप लिखोगे अगेन परफेक्ट स्क्वायर, वन बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन प्लस रूट टू द होल स्क्वायर, थ्री को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर मैनेज हो गया यहाँ पे, वन बाय रूट ऑफ एक्स माइनस वन द होल स्क्वायर प्लस
प्लस रूट टू द होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू, अब देखो ये वन बाय रूट के अंदर क्वाड्रेटिक था, हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाया, अब ये कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लग सकता है, वन बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला, दैट इज लॉग ऑफ रूट ऑफ, दिस इज वन बाय सॉरी इसका इंटीग्रल क्या आता है, लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये अप्लाई करना है. सो दिस इज लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स माइनस वन प्लस रूट ऑफ, अभी इसका अगर आप स्क्वायर लगाते हो, इसका स्क्वायर तो यही है और इसका स्क्वायर इसको एक्सपांड करोगे तो यही आएगा, तो यहाँ पे एक्चुअली जो क्वेश्चन है वही निकल के आएगा, इसको अगर आप ओपन करते हो तो यही मिलेगा आपको, दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर. तो यहाँ पे क्या था, ये कौन सा एग्जांपल था, वन बाय रूट के अंदर क्वाड्रेटिक. एंड अब आते हैं तीसरा जो इसका टाइप है, दैट इज इंटीग्रेशन रूट ऑफ टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन डी एक्स, विच इज इंटीग्रेशन रूट टू, रूट ऑफ टू हमने कॉमन निकाल दिया, तो एक्स माइनस थ्री बाय टू एक्स प्लस हाफ डी एक्स, फिर वही परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, सो दिस इज रूट टू इंटीग्रल एक्स स्क्वायर माइनस थ्री बाय टू एक्स प्लस हाफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स द होल स्क्वायर, दैट इज नाइन बाय सिक्सटीन प्लस हाफ माइनस नाइन बाय सिक्सटीन डी एक्स, दिस इंटीग्रल बिकम्स रूट टू इंटीग्रल, पहले तीन टर्म्स है एक्स माइनस थ्री बाय फोर द होल स्क्वायर, यहाँ पे एट से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे आएगा माइनस वन बाय सिक्सटीन, उसको लिखेंगे माइनस वन बाय फोर द होल स्क्वायर डी एक्स, अब यहाँ पे ये इंटीग्रल लगेगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दैट इज एक्स बाय टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय टू लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये बड़ा इंटीग्रल हमको यहाँ पे लगाना है, सो दिस बिकम्स रूट टू एक्स माइनस थ्री बाय फोर, एक्स की जगह पे सी यहाँ पे एक्स बाय टू आता है ना, एक्स की जगह पे ये वाला टर्म है, तो दिस बाय टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब ये टर्म मतलब ये टर्म मतलब ये टर्म, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मतलब ये वाला टर्म यहाँ पे आता, बट उसका सिंप्लीफिकेशन ये है, तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री बाय टू एक्स प्लस हाफ, तो ये टर्म हमने लिख दिया माइनस ए स्क्वायर बाय टू, ए स्क्वायर बाय टू मतलब यहाँ पे आएगा वन बाय सिक्सटीन बाय टू, ए स्क्वायर बाय टू लॉग ऑफ एक्स माइनस थ्री बाय फोर एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री बाय टू एक्स प्लस हाफ, ये है इसका बड़ा सा आंसर एक, ठीक है फाइन. तो तीन टाइप के इंटीग्रल्स का जो सॉल्यूशन है हमने देख लिया, इंटीग्रेशन बाय क्वाड्रेटिक, इंटीग्रेशन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, इंटीग्रेशन वन बाय रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, इसको हम लोग टाइप वन भी बोल सकते हैं, दिस इज टाइप वन. अच्छा, ज़रूरी नहीं कि इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा, ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको ऐसा इंटीग्रल दे दें, सो टू साइन टू एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय सिक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस फोर साइन एक्स डी एक्स. सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन टू इंटू टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय सिक्स माइनस कॉस स्क्वायर को लिखेंगे वन माइनस साइन स्क्वायर माइनस फोर साइन एक्स डी एक्स. तो यहाँ पे कॉस कॉमन निकल रहा है, तो हम लोग साइन एक्स को टी पुट कर देंगे, कॉस एक्स टी एक्स बनेगा डी टी, सो दिस इंटीग्रल बिकम्स टू टू ज़ा फोर साइन एक्स माइनस वन कॉस एक्स टी एक्स इज डी टी डिवाइडेड बाय सिक्स माइनस वन माइनस साइन स्क्वायर माइनस फोर साइन. सो साइन एक्स को तो हमने टी पुट किया है, तो फोर टी माइनस वन डिवाइडेड बाय सिक्स माइनस वन माइनस टी स्क्वायर माइनस फोर टी डी टी, विच इज़ इंटीग्रल 4t minus 1 divided by 6 minus 1 plus t square minus 4t dt, which is integral 4t minus 1 divided by t square minus 4t plus 5,
डी टी, ये ना उस टाइप का इंटीग्रल आ गया। ये आगे हमको देखना ही है, इंटीग्रेशन ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक ऐसा। अच्छा, इन इंटीग्रल्स में क्या करना होता है, ऊपर का टर्म को लिखना होता है ए टाइम्स डेरिवेटिव प्लस बी। ए और बी अपने को निकालना है, तो दोनों तरफ टी का कोएफिशिएंट इक्वेट करेंगे विच इज़ 4, यहाँ पे है 2a, और दोनों तरफ कांस्टेंट टर्म इक्वेट करेंगे विच इज़ -4a प्लस बी। यहाँ से ए की वैल्यू 2, सो ए इज इक्वल टू 2, ए इज इक्वल टू 2 यहाँ पे पुट करेंगे तो बी की वैल्यू आएगी -1 + 8 विच इज़ 7। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो लीनियर पॉलिनोमियल है ऊपर का उसको एक्सप्रेस करना होगा। ए वैल्यू हमने निकाली ए टाइम्स दिस प्लस बी, तो ये इंटीग्रल कैसा दिखेगा देखो, इट विल बिकम लाइक दिस। हमको ये निकालना था 4t - 1 / t² - 4t + 5 dt, उसको हमने लिखा है a टाइम्स 2t - 4 + b डिवाइडेड बाय t² - 4t + 5 dt। इसको आगे सॉल्व करते हैं, इसको दो इंटीग्रल्स में ब्रेक करेंगे। सो ऊपर लीनियर पॉलिनोमियल नीचे क्वाड्रेटिक प्लस 7 इंटीग्रल 1 / t² - 4t + 5 dt। अब देखो इसका डेरिवेटिव हमने ऊपर अरेंज किया हुआ है, तो इसका इंटीग्रल डायरेक्टली आएगा 2 times log of t² - 4t + 5 + 7 इंटीग्रल, यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे t² - 4t + 4 + 1 dt। ये तो आंसर बन गया, बस इसको सॉल्व करेंगे 7 integral 1 by t - 2 the whole square + 1 square dt + 7 1 by a tan inverse x by a। तो हमने t को sin x पुट किया था, sin वापस सब्सटीट्यूट कर दो, दिस इज 2 log sin² x - 4 sin x + 5 + 7 tan inverse sin x - 2। सो हमने अभी जस्ट ये देखा कि ऊपर लीनियर और नीचे क्वाड्रेटिक हो तो क्या करना है। इनफैक्ट ऊपर लीनियर और नीचे क्वाड्रेटिक या लीनियर और क्वाड्रेटिक का जब कभी कॉम्बिनेशन आए आपको लिखना है लीनियर इज ए टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस बी। ए और बी निकाल के लीनियर को सब्स्टिट्यूट करने का, ठीक है, ये हम लोग आगे देखेंगे।